लोकसभा चुनाव के एन पहले यूपी में ऐसा मामला सामने आ गया कि हर किसी की निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर टिक गईं। यूपी सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट में जो सुझाव दिया गया उसने हजारों लोगों की नींद उड़ा कर रख दी। अगर एसआईटी के सुझावों पर अमल किया गया तो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से ही अब आने वाली हैं। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों का शटर डाउन होने वाला है। एसआईटी की रिपोर्ट ने देश को चौंका दिया है, लेकिन अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल पूछा गया है तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार संस्कृत विद्यालय भी बंद करवा रही है। अखिलेश पर ये आरोप ओबीसी की पार्टी लगा रही है कि अब मुस्लिम वोट लेकर भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितों पर बात नहीं कर रही है। नोट करने वाली बात यह है कि मदरसों के सवाल पर भी अखिलेश ने मदरसों से ज्यादा चिंता संस्कृत विद्यालयों पर जताई है। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। यूपी के अंदर राज्यसभा में अखिलेश ने किसी भी मुसलमान को नहीं भेजा है। इस पर पार्टी के अंदर ही अखिलेश को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया और अब लोकसभा चुनाव के एन पहले आईएसआईटी की रिपोर्ट ने यूपी की राजनीति को और गरमा दिया है। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियाँ होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने जब अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी तब उसके 6 महीने के बाद ही नवंबर के महीने में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू की थी और पिछले साल ही इस मामले में एसआईटी का गठन किया था। और इसके बाद ये बात सामने आई थी कि ज्यादातर अवैध मदरसे भारत नेपाल सीमा पर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अवैध मदरसे नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 7 जिले लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में बने हैं और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरा इलाका बहुत संवेदनशील है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इन 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। अवैध मदरसों की जांच में यूपी सरकार का मुख्य लक्ष्य ये पता लगाना था कि आखिर इन मदरसों का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास है या नहीं। इसके अलावा इन मदरसों को फंडिंग आखिर कहां से मिल रही है। ज्यादातर अवैध मदरसा संचालकों का कहना है कि उन्होंने अपने मदरसे का निर्माण पब्लिक से चंदा इकट्ठा करके किया है, लेकिन जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आए फंडिंग से मदरसों का निर्माण हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि इन अवैध मदरसों के पास चंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो बता पा रहे हैं कि फंडिंग आई कहाँ से है, कौन कौन से लोगों ने उन्हें चंदा दिया है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद सारा दारोमदार यूपी सरकार पर है। यूपी में अवैध इमारतों के कब्जेदारों को सबसे ज्यादा डर बुलडोजर का सताता है। अब योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या करने वाले हैं? ये जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसने बड़े संकेत दे दिए हैं। मदरसों के लिए जरूरी है कि वो सरकारी मदरसा बोर्ड से जुड़े, लेकिन जिन मदरसों के पास मदरसा बोर्ड से मान्यता के कागज नहीं हैं, उनके ऊपर कार्रवाई का अंदेशा पिछले कई महीने से देखा जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद, जो खुद भी मदरसों को मान्यता देता है, देवबंद से जुड़े कई मौलाना यह कह चुके हैं कि मदरसे कौम के चंदे से चलते हैं, इसलिए इन मदरसों को किसी सरकारी बोर्ड से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई मौलाना फंडिंग का हिसाब नहीं रखने वाले इन मदरसों का भी संविधान का हवाला देकर बचाव कर रहे हैं। एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये
चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालमियत और एकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। इन मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आखिरकार इन बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, यूपी सरकार ये जानना चाहती है। और इस बीच उठा देवबंद और गजवाए हिंद के विवाद ने मदरसे के मामले को और तूल दे दिया है। फिलहाल यूपी सरकार को एसआईटी ने जो चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है उस पर योगी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, यही सबसे बड़ा सवाल है जो अवैध मदरसे चलाने वालों को सबसे ज्यादा डरा रहा है।